थियोरीज, कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो चुके हैं ब्लैक होल पर कि वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। नासा के रिसेंटली रिलीज्ड ब्लैक होल इमेजेस की वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी आई है कि आखिर में ब्लैक होल होता क्या है, इसके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं ब्लैक होल में अगर आप गुम हो गए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी पर बनी हुई थियोरी ने भरोसा दिलाया था कि ब्लैक होल जैसी जगह नहीं होती है और उसके बारे में सोचना तो और भी ज्यादा वियर्ड होगा। बट रिसेंटली रिवील्ड इमेजेस में साफ साफ दिखाई देता है कि आइंस्टाइन रॉन्ग हो चुके हैं। अब ब्लैक होल इज अ हंग्री बीस्ट। ब्लैक होल स्वॉलो करता है हर एक चीज, चाहे वो प्लैनेट हो, गैस हो या फिर स्टार, और फिर वो स्वॉलो करने की वजह से बड़ा होता जाता है। लाइट जिससे फास्टेस्ट चीज और कुछ भी नहीं होती, वो भी ब्लैक होल स्वॉलो करता है और नथिंगनेस फिर वापस उसको छोड़ भी देता है। ज्यादातर कहा जाता है कि ब्लैक होल्स की वजह से ही पूरी यूनिवर्स चलती है। ब्लैक होल्स कैन सिंग। वैसे तो स्पेस साइलेंट है, वहाँ कोई आवाज नहीं होती, पर 2003 में डिस्कवर किया गया सबसे लॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट और लोवेस्ट नोट यूनिवर्स, जिसके वजह से प्रूफ हो सका है कि ब्लैक होल सिंग कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के पास एविडेंस है कि ब्लैक होल्स हर एक गैलेक्सी में है और उनके पास से नॉइज भी डिटेक्ट हुई है और इसके पुलिंग इफेक्ट की वजह से बहुत सारे स्टेलर और प्लैनेट्स डूब हो चुके हैं। हमारे गैलेक्सी के अंदर भी बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, पर किसी के अंदर इतना पुलिंग फोर्स नहीं है जिसकी वजह से वो अर्थ को पुल कर सके। यूनिवर्स में इतने सारे ब्लैक होल्स हैं जिसे काउंट करना शायद इम्पॉसिबल है, और हमारे ही गैलेक्सी में कम से कम 100 मिलियन से ऊपर तक ब्लैक होल्स रहेंगे। ब्लैक होल्स आर स्टेलर टॉम्बस्टोन्स। जुलाई 2, 1967 को नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स ने रिकॉर्ड किया था एक एक्सप्लोजन ऑफ गामा रेस जो आउटर स्पेस से आ रहे थे। ये पहला प्रूफ था जिसकी वजह से ब्लैक होल्स रियल है वो पता चला था। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि शायद वो आखिरी गामा रेस थे स्टार के जो ब्लैक होल ने स्वॉलो किए थे। अ ब्लैक होल हैज नो हेड। ऑन मार्च 28, 2011 में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया था लॉन्ग गामा रे बर्स्ट 4 बिलियन लाइट ईयर्स से भी दूर। ये पहली बार ह्यूमंस को समझ आया था कि एक डोरमेंट ब्लैक होल एक स्टार कर रहा था। ब्लैक होल सब कुछ खा सकता है और जितना वो खाता है उतना ही बड़ा होता जाता है। 2011 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैक होल जो कि 300 मिलियन लाइट ईयर्स से भी दूर था, और उसका वेट इतना था कि उसने कम से कम 21 बिलियन सन्स तो खा ही चुके रहेंगे। टू फाइंड द डार्कनेस फॉलो द लाइट। यहाँ तक लाइट भी ब्लैक होल से बच नहीं सकती, इसीलिए हम ब्लैक होल के अंदर क्या है वो नहीं देख सकते। यहाँ तक कि ब्लैक होल के आउटर एजेस के फोटोज लेना भी मुश्किल होते हैं, और फुल पिक्चर लेना तो देखो भाई कितना ही मुश्किल होगा। अ ब्लैक होल इज नॉट फॉरएवर। क्वांटम इफेक्ट सजेस्ट करता है कि हॉकिंग रेडिएशन लीक होती है यूनिवर्स में, जिससे ब्लैक होल हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएंगे। बट ऐसा होने से पहले ट्रिलियंस ऑफ सेंचुरी हमको रुकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे ब्लैक होल्स के बारे में कुछ बातें, और अगर आपके पास भी ब्लैक होल से जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।